अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एबीटी न्यूज। पांच अपराधियों का 12 जिलों में 7 सबसे खतरनाक घटना है, गाजीपुर पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा। आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज क्राइम रिपोर्ट, प्रस्तुत करता है गाजीपुर ट्रेवल सर्विसेज। सभी कार्यक्रमों के लिए गाड़ियां उपलब्ध। 14 अगस्त 2019 खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी घटना का खुलासा किया। गाजीपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सूचना दी कि उन्होंने 5 बड़े अपराधियों को पकड़ा है। जनपद गाजीपुर में एक अभियान चलाया जा रहा था कि जो सक्रिय अपराधी हैं या इनामी अपराधी हैं उनके वर्तमान क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस क्रम में हमारे थानों ने बड़ी मेहनत करके ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया और उसके बाद स्वाट टीम ने बड़े परिश्रम के साथ ऐसे सक्रिय अपराधों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। हमें उस दौरान ये जानकारी मिली कि गाजीपुर और आसपास के कुछ अपराधी गैंग बनाकर आसपास के जनपदों में गंभीर अपराध कर रहे हैं, जैसे लूट, हत्या, उद्यापन, इस तरह के अपराध कर रहे हैं। लगातार लगभग 2 सप्ताह तक इस अधिसूचना पर काम करने के बाद आज एसओजी टीम, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली की टीम, इन सभी लोगों ने घेराबंदी करके 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक उसका सहयोगी है 5वां, और इनके पास से एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई। ये ब्रेजा गाड़ी अभी 10 तारीख को चंदौली से एक व्यापारी से लूटी गई थी। इसके संबंध में चंदौली में मुकदमा पंजीकृत है। इनसे पूछताछ पर मालूम पड़ा कि चंदौली में लूट के दौरान इन्होंने एक गाड़ी वहां पर ऑल्टो छोड़ दी थी। वो गाड़ी ठीक एक दिन पहले इन्होंने देवरिया से लूटी थी। देवरिया में घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल छोड़ दी थी। उस संबंध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वो इन्होंने तरवा आजमगढ़ से लूटी थी। कहने का तात्पर्य कि 4 दिनों में 3 लूट की घटनाएं, और चंदौली में जिस व्यक्ति को इन्होंने गोली मारी विरोध करने पर उसकी मृत्यु हो गई है। पूछताछ पर इन्होंने ये भी बताया कि 4 अगस्त को इन्होंने हायर्ड किलर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तानपुर में एक प्रधान की हत्या की, थाना बल्दी राय के अंतर्गत इसका अभियोग पंजीकृत है। स्थानीय अधिसूचना और डिजिटल अधिसूचना से इनकी संलिप्तता, इनकी मौजूदगी ये प्रमाणित हुई है और सुल्तानपुर एसओजी ने आकर इनसे पूछताछ की है। इसके अलावा पिछले लगभग 1.5 महीनों में कुल 1 दर्जन से अधिक अपराध ऐसे हैं जिसका अनावरण हुआ है या जिसमें इनकी संलिप्तता है, जिसमें गाजीपुर जनपद के भी कुछ अपराध हैं। कुछ दिनों पूर्व सैदपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनी गई थी, उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था मुठभेड़ के बाद। उसमें भी इस गैंग का सरगना शिवम सिंह शामिल था, जो आज गिरफ्तार हुआ है। उसके ठीक बाद इसने बैरिया थाना बलिया में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ लूट की थी, जिसमें यह फरार हो गया था। उसमें भी आज ये अकाउंट फॉर हुआ है। इसके अलावा बहरियाबाद में 2 व्यापारियों को क्रमशः जनवरी और जुलाई के महीने में धमकी देकर पैसा उगाहने का प्रयास किया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत था। इसकी आवाज़ पहचानी गई, इसकी फिजिकल मौजूदगी है जहाँ से कॉल आया, उसमें भी इस घटना का अनावरण हुआ है। बिरनो थाना में एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी जून के महीने में, जो इसी ग्रुप ने लूट की थी और बाद में वो मोटरसाइकिल लावारिस छोड़ दी थी, जो सराय लखनसी थाने में दाखिल है। उसके संबंध में अभिलेख प्राप्त किए जा रहे हैं। थाना कासिमाबाद में पिछले माह एक व्यक्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जब वो मऊ से और बड़ेसर आ रहा था अपने घर। उस घटना में भी इनकी संलिप्तता पाई गई और उस संबंध में भी बरामदगी की गई है। एक बड़ा गैंग जिन्होंने 7 जनपदों में
12 से अधिक घटनाएं साबित की पिछले 30-35 दिनों के अंतर्गत। एक सक्रिय गैंग है, इन सभी गैंग मेंबर्स, इसमें जो तीन मुख्य गैंग मेंबर हैं शिवम सिंह, इमरान और विनीत यादव, उनके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें अधिकांश लूट या हत्या के हैं। ये सक्रिय अपराधी हैं। इनके गैंग के अन्य सदस्य विभिन्न जनपदों में जिनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं वो फरार हैं, उनके विरुद्ध भी संगठित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनको मुकदमे में उनकी संलिप्तता जिस स्तर की है विवेचना में उन्हें शामिल किया जाएगा। ये जो शिवम सिंह है, इस पर जनपद स्तर से 25,000 रुपये और रेंज स्तर से 50,000 रुपये इनाम घोषित है। इस प्रकार से गाजीपुर का एक बड़ा इनामी अपराधी आज गिरफ्तार हुआ, उसके साथ ही गिरफ्तार हुए, लूटी गई ब्रेजा बरामद हुई, जिसके साथ लूट हुई थी उससे संबंधित उसके कुछ प्रपत्र बरामद हुए। इसके अलावा जिस गाड़ी से अपाचे से ये लगातार घटना कर रहे थे वो वाराणसी में चोरी किए एक मुकदमे से लिंक हो गई है। इनके पास से चोरी का माल, चोरी की गाड़ी और इनके द्वारा किए गए तमाम अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अग्रिम कार्रवाई